अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू एन अदर न्यू वीडियो एन अदर न्यू व्लॉग। तो अभी मैं आई हूँ अपनी दोस्त के घर पे, ठीक है। आज हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ नमाज़, क्योंकि मैं घर से बहुत जल्दी जल्दी में निकली थी, नमाज में थी, रह गई थी। नमाज़ पढ़ते हैं और साथ में आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। किस दोस्त के पास आई हूँ, क्यों आए हम, ये सारा इसी व्लॉग में हम लोग से शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले नमाज़ पढ़ते हैं और आज के अपने प्लान्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। व्लॉग पसंद है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलें जी, अब पढ़ लेते हैं हम लोग नमाज। चलें जी, नमाज डन हो गई हमारी। नमाज हो गई है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डन। ये भी देखा था ना तुमने, वो ग्रीन वाला? हाँ जी, देखा था ये। लेकिन इसके साथ भी दुपट्टा नहीं होगा जो है वो गरारा ढूंढ रहे हैं। और एक हमें इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा, लेकिन उसमें हमारा साइज ही नहीं मिल रहा। ये वाला लेकिन इतना प्यारा लग रहा था, इसमें हमारा साइज ही नहीं है। और ये हम लोग तीन में देख रहे थे ना, तो अब लारेब वहाँ पे देख रही है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। क्या पता कुछ मिल जाए, क्योंकि हमें शूट के लिए चाहिए। तो लेट्स सी। क्या दिखाया आपने, दोबारा बोलिएगा। यार इतना कुछ देख लिया है बट समझ नहीं आ रहा ये इसके साथ क्या है। सलवार है इसके साथ, शूट भी ऐसे ही करके पहन लेंगे। बहुत सारे कपड़े ट्राई कर लिया मैंने, लारेब को भेजा है कि जहाँ तू ट्राई कर और फिर बताना कैसा लग रहा है। तो लारेब कपड़े ट्राई करिए। ये वाला ड्रेस हमने ट्राई किया था लेकिन इसके साथ ना दुपट्टा नहीं था। तो ये मैडम निकल आएंगे, हाय हाय। आज हमने एक ड्रेस डिसाइड कर लिया, उसमें भी हमें बहुत अभी भी क्या नजर आ रहे हैं, मसले मसाए। लेकिन अभी हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास समझे कि सिर्फ 15 मिनट है। हमने घर जाके रेडी होना है, रेडी होकर फिर हमने शूट पे जाना है और फिर हमने इफ्तार करनी है। टाइम पीछे बहुत कम है तो जल्दी से हम लोग माइंड अप करना है। अच्छा जी, तो अभी हम लोग वापस आ गए हैं शॉपिंग वगैरह करके, और एक बड़ा हमारे साथ मिस हैप हो गया है। लेकिन चले खैर, उसको हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करते, उसको हमने फेस करना है। बट हमें पता है उसको हमने फेस कैसे करना है। तो बस अभी हम जल्दी से उतरते हैं और हमारे रेडी होते हैं, टाइम हमारे पास कम है। चलो चले जी, हम लोग पहुँच गए घर पे। अब जल्दी जल्दी से हम लोग रेडी होते हैं, ड्रेसेस ले आए और फिर आप लोगों से मिलते हैं। टन टन आए बस अभी हम लोग निकलने लगे हैं और इस मैडम का वेट कर रही हूँ, जो कि रूम से बाहर आने का नाम नहीं ले रही है। और हमारे पास पीछे टाइम सिर्फ आधा घंटा इफ्तारी में भी और आधा घंटा ये पिक्चर्स लेने में। तो बस जल्दी से निकलते हैं और फिर छूट। ना इसने खुद निकलना है और ना इसने मुझे निकलने देना है। बस बंद। कब से इसका मेकअप हो रहा है, कब से। ये अपने मियाँ की तारीफ कर रही है यहाँ पे खड़ी होके। बैकग्राउंड देखे हम, यहाँ ये जमती भरी, ऊपर से लिफ्ट नहीं आ रही। हम लोग वेट करें, टाइम हमारे पास पहले नहीं। चलो चलो चलो, हम लोग निकल गए हैं। अभी हमने सबसे पहले शूट करना है, शूट के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और इफ्तार में पीछे टाइम कम रहेगी और आप डे लाइट चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जा चुकी है। तो अब पता नहीं है इफ्तार हो पाएगी या शूट हो पाएगा, लेकिन पहले हमें ये कि शूट कर लें, इफ्तार हम बाद में भी कर लेंगे। यहाँ पे कुछ सामान वगैरह सेट कर रही हूँ, ये इस मैडम की वजह से देर हुई है। जो आपको नजर आ रही है ना, एक अदर जिनका चैनल है लारे फात का, इसकी वजह से हुई है, इसकी वजह से। इसने इतना लेट कराया है यार, बस अब दुआ कर रहे हैं जल्दी से हो जाए, सब कुछ हो जाए, फिर आप लोगों को अपडेट देते हैं। उनका ख्याल भी तो रखना है ना। कभी आपने सोचा था कि हम लोग इधर बैठ के इफ्तारी करेंगे, वो भी इस जगह पे। तो अभी हम लोग इफ्तारी करने लगे क्योंकि रोजा खुल गया और हम लोग यहाँ शूट कर रहे थे, फिर जाते हैं। चल अजी, इतनी मेहनत जो हमने की वो हमारी वसूल हो गई, शूट हमारा अच्छा सा हो गया। कैसा मजा आया लारे, बहुत यहाँ भी व्लॉग शुरू हो गया, मजा आया। तो अभी हम लोग कुछ खाते पीते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बैठ के रोजा इफ्तार किया है। तो मजा आ गया, शूट बहुत अच्छा हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और फिर आगे जो भी होता है वो देखते हैं इफ्तार करने के लिए। और टाइम क्या हो रहा है, रोजा तो हमने वहाँ पे खोल लिया था 7:30, और हमने दोनों ने बिना सहरी के रोजा रखा हुआ है। और अभी हम लोग इफ्तार करने लग रहे हैं। अब हमारा दिमाग ना ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और मेरा गोल गोल घूम रहा है इसका, ऐसे 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 घूम रहा है। तो बस अभी कुछ खाते हैं, फिर हमारे अंदर थोड़ी एनर्जी आती है। और मैं अपने घर वाले से पूछूं कि मुझे यहाँ पे छोड़ के, फिर वो भूल गए कि हमारी एक अदद बेटी भी है जिसको हमने छोड़ा है।
या हमारी एक अदद बीवी भी है, खैर मैं उनसे पूछती हूँ वो लोग कहाँ हैं। वो लोग आज कहीं जा रहे थे, मैंने कहा मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दो, मुझे काम है, मेरा काम भी हो गया और अच्छा काम हो गया, भागम दौड़ में हो गया। अच्छा मैं उनसे पूछती हूँ, वो लोग हमारा। और स्टार्टर में हमने मंगवाई है फिंगर फिश और साथ में फ्राइज। मैंने कभी इनकी टेस्ट नहीं किया, तुमने की? ये फिंगर फिश मुझे बहुत पसंद है। चलो जी खाना हमारा आ गया है। ये इन्होंने बोला था चिली ड्राई राइस हमारे बड़े अच्छे हैं, साथ में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो इनका रोल है। और आपको फिंगर फिश? और वाकई बहुत मज़े की, लिटरली बहुत मज़े की। अगर आप यहाँ आएँ तो लाजमी ट्राई करिएगा, ये बहुत बहुत मज़े की है। हम लोगों ने खा लिया है, खाना बहुत अच्छा था, स्पेशली जो है वो फिंगर फिश बहुत अच्छी थी और चिली ड्राई राइस बहुत अच्छे थे। रोल तो इनका वैसे ही बहुत अच्छा होता है एज़ यूजल। तो खाना वाना हो गया, अब चलते हैं लारेफ के घर पे, थोड़ी देर बैठते हैं, गपशप करते हैं हम दिल। यस हम लोग यहाँ स्पाइस एंड ग्रिल आए थे, खाना इनका बहुत अच्छा है, ठीक है। और है भी ये कि अगर आप शॉपिंग करके स्पाइस एंड ग्रिल आ रहे हैं तो बस आपने शॉपिंग की और सामने स्पाइस एंड ग्रिल है, खाने का खाना भी हो गया, शॉपिंग की शॉपिंग भी हो गई, क्योंकि बाकी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो दूसरे रोड पर हैं। तो खाना भी बहुत अच्छा था और जो जो चीज़ें पसंद आई वो आप लाजमी ट्राई करिएगा, आप लोगों को भी डेफिनेटली पसंद आएंगी। तुम्हें कैसी लगी? परफेक्ट, हमें भी बहुत अच्छी लगी। खाना हमने पैक करवा लिया है, जो इस मोहतरमा के बच्चे घर पे इंतज़ार कर रहे होंगे, अम्मा आए तो कुछ खिलाए हमें। तो बस अभी हम लोग चलते हैं और फिर आगे जो भी होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहुंच गए हम लोग घर, अभी थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर मैं निकलती हूँ। घर वाले कहीं गए हुए हैं, यहाँ से दूर है, आउट ऑफ सिटी, जाते हुए मुझे पिक कर लेंगे, उनको कहा है। और यहाँ पे इस मैडम ने अपने लिए भी चाय बनवाई है क्योंकि इसका शदीद नशा टूट रहा था और दिमाग भी अब घूम चुका है, वैसे ही घूम चुका है। तो बस अभी लेटते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं अभी, शदीद थोड़ी देर आराम की और कमर सीधी करने की ज़रूरत है। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, हमारे पास कुछ टाइम था, अम्मा लोगों कॉल किए दे साइड के, उनको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो लोग अभी थोड़ा सा बिजी हैं, तो हमने लाइव भी कर लिया, बातें भी कर ली, अभी भी हमारे पास टाइम बच गया है। तो हम सोच रहे हैं कि नीचे जाते हैं, कुछ देख लेते हैं, शॉपिंग नहीं मतलब कुछ ऐसे ही रैंडम जो है वो चक्कर वगैरह लगाते हैं और फिर हम लोग आएंगे। अम्मा लोग तो ही घर जाएंगे वरना। अच्छा जी, तो बस अभी मैं घर पहुंची हूँ, टाइम आप लोग देखें पीछे 1 बज गया है, बस मैं लेंसेज वगैरह रिमूव करूँ, मेकअप वगैरह रिमूव करूँ। और ज़ारा जो है वो अभी सॉरी अम्मी के रूम में लेटाया है, कि मैंने कहा मैं जल्दी से चेंज वगैरह करके नमाज़ पढ़ लूँ और फिर उसको सुलाती हूँ, थक बहुत ज़्यादा गए। अब ना लेंसेज उतारूँ सबसे पहले तो मैं, खैर वीडियो बंद करके उतारूँ, वीडियो में क्यों उतार रही हूँ। अच्छा जी, इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, यहाँ पर ज़ारा को भी सुला दिया है और मैं भी बस सोने लगी हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, सैरी करके सोऊंगी। ब्लॉग पसंद तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा, और लारेफ के चैनल को भी ज़रूर आप लोग जाके सब्सक्राइब करिएगा, बहुत अच्छी वीडियोस बना रही हैं। और बस आजकल मैडम को शौक चढ़ा हुआ है ब्लॉग्स बनाने का ना, तो वो जाके उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।